हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने रवि जनरटेक यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सब्जेक्ट CDP, और जो जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही हम आपको रिपीट करवा रहे हैं, जो ज़्यादा बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और हमने जो CDP के है क्वेश्चन, वो 45 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए थे। हर रोज़ हम 10 क्वेश्चन करवाते हैं इस सब्जेक्ट। तो हमारा जो आज के क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा बार आने वाले, सभी पर्सन हर बार यही डालते हैं। और हम शुरू करते हैं अभी आज। कल हमने 45 तक कंप्लीट कर दिया था, 46 से हम शुरू करेंगे। 45 को तक हमने कंप्लीट किया था, 46 से हम कंप्लीट शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लैंगिक भूमिका ग्रहण करते हैं। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4, सामाजिकरण, सांस्कृतिक, ट्यूशन और मीडिया। इसका मतलब, पूछने का मतलब ये है कि बच्चे मतलब हर जगह, देखो लड़का होगा तो लड़का कह के बोला जाएगा और लड़की होगी तो लड़की कह के बोली जाएगी, ठीक है। उस हिसाब से इसमें कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे को कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा सब जगह की, है वो है आपका ट्यूशन। ट्यूशन पर एक ये है कि ऐसा है कि ट्यूशन पर आपको उसी से विद्यार्थी के हिसाब से ही बोला जाएगा और विद्यार्थी ही बोला जाएगा, ठीक है। चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका थर्ड आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो ऑप्शन दिए गए इसमें 4, आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसका हो सकता है। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, ठीक है। उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। उनका अच्छा व्यवहार सिखाता, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता। तो आपका हिसाब से क्या ऑप्शन हो सकता है? आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चे, इसका जो आंसर रहेगा वो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, उनका उपयोग करता है, ठीक है। तो उसके बाद 48 क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना भाई, 48 क्वेश्चन ये आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। 11 साल में कम से कम ये 7 बार पूछा गया है, ठीक है। 2005 फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ प्राप्त की। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अपने दिमाग में उतार लीजिएगा। व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मकवाद और मानवतावाद। तो इसका जो आंसर है वो रचनावाद है। तो रचनावाद में आपके जो फ्रेमवर्क ने अपनी समझ प्राप्त की थी 2005 में, तो इसको यह घुमा फिरा के भी आ सकता है। रचनावाद ने अपनी समझ कौन सी सन में प्राप्त की थी फ्रेमवर्क 2005 में, ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। तो इनको आपको रिपीट करना, याद करके रखना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जो आपका 49 क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जाता है यदि, जा सकता है यदि, नंबर 1, कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। इसका जो आंसर है वो थर्ड रहेगा। वे शिक्षक के स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। स्पष्टीकरण मतलब क्या है कि इसमें बच्चे ना कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हैं अपने टीचर से, तो वो इसी चीज़ को पूछते हैं ताकि उनका डाउट क्लियर हो जाए, स्पष्टीकरण हो जाए, उनको स्पष्ट हो जाए कि इसका जो आंसर है वह ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद 50, ये जेंडर वाला क्वेश्चन है भाई, ये भी 100% आपका बहुत बार आ चुका आपके एग्जाम में। इसको भी आप याद करना ना भूलें। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही हम आपको बताएंगे, बाकी इससे एक्स्ट्रा कोई एक भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। जेंडर, जेंडर में इसमें पूछा गया जेंडर क्या है, मतलब एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है। आपके हिसाब से क्या हो सकता है, आप सोचिए, पहले माइंड में लगाइए। तो आपका एक मॉक टेस्ट भी है, ये मॉक टेस्ट है आपका, उस हिसाब से आप एक बार आपकी तैयारी भी हो जाएगी एग्जाम की और आपका एग्जाम भी क्वेश्चन भी हो जाएंगे रिपीट। तो इसका एक सामाजिक रचना, जेंडर ना एक सामाजिक रचना, जेंडर मतलब जेंडर बोल नहीं देते भाई, क्या क्या लिंग है, क्या मेल है, मतलब सेक्स मेल सेक्स फीमेल। तो इस हिसाब से जेंडर दे दर्ज करता सामाजिक संरचना, ठीक है। तो उस हिसाब से 51 क्वेश्चन क्या है, 51, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता, बताओ। संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। ये थोड़ा सा वर्ड ऐसे हो रहा है, उलझपुल, कोई बात नहीं। नंबर 3 है सामाजिक, शारीरिक और व्यक्तित्व। उसके बाद नंबर 4 है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो इसका जो आंसर रहेगा वो 4 रहेगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। उसके बाद 52 क्वेश्चन, 59 नंबर में है, वह अवधि जो व्यस्तता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं, मध्य बाल्यावस्था, पुरुष क्रियात्मक अवस्था, बाल्यावस्था की समाप्ति और किशोरावस्था। आप बताइए, सोचिए पहले माइंड में ताकि आपकी रिपीट भी हो जाए। इसका जो आंसर है पूर्व सक्रियात्मक अवधि, वही अवधि सक्रियात्मक अवधि रहती है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है ये भी, ठीक है। इन क्वेश्चन जो मैं इंपॉर्टेंट बोले जाऊँ वो आप बिल्कुल अच्छे से करना, ठीक है। मौखिक सवाल जो बच्चे अपने आप से करते हैं
उन्हें लैब वैगतोष की क्या कहते हैं बताओ। वैगतोष का शोध सिद्धांत तो उसमें क्या बोला जाता है, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समयात्मक वार्ता, अकेंद्रित वार्ता। तो अकेंद्रित वार्ता बोला जाएगा उसको, उसको बोला जाएगा अकेंद्रित वार्ता, ठीक है। उसके बाद 54 क्वेश्चन, खिलौने, पहनावे की वस्तु, घरेलू सामग्री, व्यवसाय एवं रंगों की स्पष्टि विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रांशिकता और विकसित जेंडर पहचान, ठीक है बताओ। इसका जो आंसर रहेगा वो जेंडर रूढ़िवादिता रहेगा, ठीक है। तो ये सब ना याद करने वाले हैं, एक बार आप बिल्कुल अच्छे से रिपीट जरूर कर लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक मतलब एक टीचर प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है बताओ। जेंडर समरूपता, जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान और जेंडर संबंधितता, बता सकते हो आप। इसका जो आंसर रहेगा वो जेंडर समरूपता रहेगा, ठीक है। तो ये सब जो आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने सारे क्वेश्चन में से देख के निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके नए 10 क्वेश्चन के साथ आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट यूट्यूब चैनल है जहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं बिना कोई फीस दिए, बिना कोई उनका पेड प्रमोशन, पेड ऑफर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।